हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम इस वीडियो में एक कैंटिलीवर बीम का एक प्रॉब्लम दिया गया है, जिसमें कि 1, 2, 3 एंड 4 पॉइंट पे हमारा पॉइंट लोड लगा हुआ है। 40 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन। इस पूरे जो कैंटिलीवर बीम की लेंथ है वो 5 मीटर दी गई है, और ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। बी से सी 1, सी से डी 1, डी से ई 1 एंड ई से एफ 1 मीटर। तो इस टाइप का ये प्रॉब्लम्स दिया गया है, जिसमें का हमें SFD एंड BMD ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सभी पॉइंट्स पे, जितने भी पॉइंट्स हैं हमारा, उन सभी पॉइंट पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट एफ। तो F पे हमारा जो शेयर फोर्स है, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि F पे कोई भी वर्टिकल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो F पे हमारा पॉइंट फोर्स हो जाएगा 0, शेयर फोर्स। एज इट इज़ हमारा जो F से E तक है, ठीक है, अप्रोच टू E, तो ये हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो भी होगा हमारा 0। ठीक है, अप्रोच टू ई हमारा हो जाएगा 0 एट पॉइंट ई। ठीक है, शेयर फोर्स एट पॉइंट ई। अब यहाँ ई पर हमारा शेयर फोर्स कितना है, हम देख सकते हैं कि हमारा 10 किलो न्यूटन वर्टिकल फोर्स इस पर लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एट ई 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जब हमारा जो मूवमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड में जो मूवमेंट है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो ई पे हमारा जो शेयर फोर्स हुआ है वो हुआ है 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ई से लेके डी तक देखते हैं, यानी कि हमारा जो अप्रोच टू डी, ई से लेके डी तक का जो स्पैन है वहाँ पर हमारा शेयर फोर्स कितना होगा ई से डी, तो ये एज इट इज रहेगा 10 किलो न्यूटन। एट डी, जब हम डी पे पहुँचते हैं तब हमारे पे 20 किलो न्यूटन और ऐड हो जाएगा इसमें, तो एट डी पॉइंट पे कितना होगा हमारा 10 + 20 विच इज इक्वल टू 30 किलो न्यूटन। ये हमारा पॉइंट डी पे शेयर फोर्स कैलकुलेट हुआ। सिमिलर डी से ई तक हमारा कितना रहेगा, जितना हमारा डी पे शेयर फोर्स है अप्रोच टू सी। ठीक है, तो अप्रोच टू सी हमारा जो शेयर फोर्स होगा वो कितना होगा 30 किलो न्यूटन। एट सी, तो जब हम सी पे पहुंच जाएंगे तो सी में क्या हुआ है 30 किलो न्यूटन और ऐड हुआ है इसमें, तो एट पॉइंट सी जो शेयर फोर्स की वैल्यू होगी हमारी 30, तो ये है प्लस 30 किलो न्यूटन इसमें और ऐड हुआ है विच इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। ठीक है, अब ये हमारा सी पॉइंट पर शेयर फोर्स कैलकुलेट हुआ है। ऐसे ही सी से डी तक हमारा जो शेयर फोर्स होगा अप्रोच टू बी, विच इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन। अब हमें कैलकुलेट करना है बी पे हमारा जो शेयर फोर्स होगा, तो एट बी विच इज इक्वल टू जो हमारा सी से बी तक है 60 प्लस जो हमारा 40 किलो न्यूटन इसमें एट बी पे ऐड हुआ है। ठीक है, विच इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन। ठीक है, ये हमारा बी पर हुआ है। ठीक है, अब बी से लेके ए तक, यानी एट ए कोई और फोर्स ऐड नहीं हो रहा है, तो बी से लेके ए तक हमारा ए पे कितना हो जाएगा 100 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास कैलकुलेट हुआ है सभी पॉइंट पे शेयर फोर्स डायग्राम। ठीक है, अब हम इसका जो डायग्राम शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, जैसे ये हमारा टोटल लेंथ हो गई ए से लेकर एफ तक, ए टू एफ। ठीक है, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी,
पॉइंट डी और पॉइंट ई, ठीक है। सभी पॉइंट हमने मार्क कर दिया, ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पर हमारा जो शियर फोर्स है वो कितना है, 100 किलो न्यूटन, ठीक है। ये हो गया हमारा 100 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये 100 किलो न्यूटन ए से लेकर बी तक है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 100 किलो न्यूटन, ठीक है। अब हमारा क्या होगा कि सी से बी, ये हमारा 60 किलो न्यूटन है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये सी से बी 60 किलो न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो सी से डी है वो हमारा 30 किलो न्यूटन, ये हमारा 30 किलो न्यूटन। सिमिलरली हमारा डी से ई 10 किलो न्यूटन, और ई पे हमारा कितना है, जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा शेयर फोर्स डायग्राम, ठीक है। ये हुआ है हमारा इस कैंटिलीवर बीम के लिए शेयर फोर्स डायग्राम। अब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है इसका। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था कि पॉइंट लोड लगे हुए हैं, तो इन पॉइंट लोड के बीच में जब बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक इंक्लाइन लाइन होगी, ठीक है। तो सभी पॉइंट पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, और जब ये बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, ये बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा, तब हम उसको इंक्लाइन रूप से मिलाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करते हैं बी एम एट ए, ठीक है। तो ए पॉइंट पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्सेस। तो जितना भी फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं उनसे जो मोमेंट जनरेट हो रहा है उनका सम, यानी 40 किलो न्यूटन से जो फोर्स लग रहा है हमारा उससे जो मोमेंट हुआ है, फोर्स इंटू डिस्टेंस प्लस इस फोर्स से जो मोमेंट जनरेट हुआ है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, इस फोर्स से जो मोमेंट जनरेट हुआ है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, सिमिलरली टेन से, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए हो जाएगा हमारा 40 किलो न्यूटन इंटू जो हमारी डिस्टेंस है बी से ए 1, प्लस 30 किलो न्यूटन से जो मोमेंट जनरेट होगा ए पे वो कितना हो जाएगा, 30 किलो इंटू 2 जो डिस्टेंस है ए से सी, प्लस जो हमारा डी पे 20 किलो न्यूटन फोर्स है उससे जो मोमेंट जनरेट होगा 20 इंटू 3, प्लस 10 किलो न्यूटन से जो फोर्स जनरेट होगा वो जाएगा हमारा 10 इंटू 4, ठीक है। और एफ पे हमारा जो मोमेंट है वो जीरो होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि फ्री एंड पे हमारा बेंडिंग मोमेंट जीरो होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है हमारी, ए पे जो पॉइंट बेंडिंग मोमेंट आया है 40 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 40 विच इज इक्वल टू 200 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। अब ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो किस टाइप का होगा, हमने पढ़ा था कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो राइट साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट को हम एज अ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट यानी हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमने ये स्पैम कंसिडर किया है, ठीक है, तो इसमें नेगेटिव साइड में पॉइंट ए के जस्ट नीचे हमने ये लाइन ड्रॉ की है 200 किलो न्यूटन मीटर के लिए, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पॉइंट ए पर बेंडिंग मोमेंट। अब हम पॉइंट बी पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट बी। तो बी पर कितना हो जाएगा, बी से जो फोर्स पास होता है हमारा ये, इसके लिए इस 40 किलो न्यूटन का जो मोमेंट है वो हो जाएगा जीरो, रिमेनिंग जो फोर्स बचे हुए हैं सी डी और ई उनसे इस पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो यहाँ से 30 किलो न्यूटन से बी तक कितना बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारा, 30 इंटू 1 प्लस 20 से
बी, यानी डी से बी कितना हो जाएगा 20 इंटू टू प्लस 10 से बी यानी कि 10 इंटू थ्री। ठीक है, ये हमारा कितना हुआ है 30 प्लस 40, ठीक है प्लस 30, तो 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा पॉइंट बी पर कैलकुलेट हुआ है, तो हमने 100 किलो न्यूटन की ये लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद हम पॉइंट सी पर कैलकुलेट करेंगे एट बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो सी पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जो फोर्स इस पे कंसिडर हुआ है 30 किलो न्यूटन पर वो तो हो जाएगा जीरो। रिमेनिंग फोर्स कौन सा बचा है जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो 20 और 10 किलो न्यूटन का हो जाएगा। 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2, 20 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारा पॉइंट सी पर आया है, यहाँ पर 40 किलो न्यूटन। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इसमें, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 40। अब हम पॉइंट डी पर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट डी, यहाँ की वजह मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो डी पे कितना हो जाएगा हमारा, जो फोर्स डी से पास हो रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा वो इस एफ ई पे जो फोर्स है उसके कारण होगा, यानी 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डी पे जनरेट हुआ है हमारा 10 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ई पर, तो ई पर कितना फोर्स होगा, कितना बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा हमारा, जब ई पर फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है तो वहां पर हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो हमने पढ़ाई था कि फ्री एंड पे हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो जीरो होता है। तो इन सभी पॉइंट को हमने इंक्लाइन लाइन से मिलाना है, जैसे यहाँ से ये पॉइंट बी आया था, बी से ये, उसके बाद सी से ये, उसका डी से ये, और इससे जीरो, और फिर ये लाइन हो जाएगी हमारी एफ। ठीक है, तो ये होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। थैंक यू।